खरगोन जिला अस्पताल में कोविड वैक्सीन का टीकाकरण लगातार चल रहा है। इसी क्रम में अस्पताल के कर्मचारी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और महिला बाल विकास कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी अस्पताल पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर संजय भट्ट ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य विभागों में पदस्थ कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं आमजन की बात पर डॉक्टर ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश अनुरूप टीकाकरण होगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो प्रतिदिन हमारा जो टारगेट था कि हम लोगों को 100 बेनिफिशियरी जो हैं उन्हें हमें देना है, और इसमें हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के सबसे पहले आए हैं। उसके बाद अभी दो दिन से हमने प्राइवेट के जो भी हैं हमारे हेल्थ वर्कर्स उनको भी लिया है, तो अभी तो हम सभी लोगों को ले रहे हैं साथ में, जिसमें आशा सहयोगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, और मतलब ये महिला बाल विकास के पूरा वो, और प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनके जो वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स हैं वो, प्लस हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं गवर्नमेंट के शासकीय वाले, उन लोगों को हम अभी टीकाकरण कर रहे हैं। सर, हम लोगों कब तक लगेंगे टीका? अभी जैसा अभी इतना कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो रेवेन्यू वालों को लगना है, राजस्व वालों को, तो जैसे भी हमें भोपाल से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जो आदेश मिलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग। क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर संजय भट्ट, जिला टीकाकरण अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।